और मेरे भाई कैसा चल रहा सब कुछ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे जो टॉप टेक यूट्यूबर्स हैं उनको फोन सबसे पहले मिल जाते हैं। मतलब कि जो फोन की फर्स्ट सेल है वो 5 दिन बाद है, लेकिन उन्होंने पहले से ही रिव्यू डाल दिया, फोन यूज कर लिया। तो वो कैसे होता है और उनको ये जो फोन मिलते हैं ये फ्री में क्यों मिलते हैं, तो शुरू करते हैं। तो यार देखो, जो टॉप टेक यूट्यूबर्स हैं उनको एक एडवांटेज है, और वो ये है कि उनके पास है ऑडियंस, मतलब दबा के भीड़ उनके पास, मतलब पूरी जात है। मतलब ये समझ लो उनके पास 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन फॉलोअर्स है, मतलब सब्सक्राइबर्स। तो जब आपके पास इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं तो ये क्या है, ये आपकी एक ऑडियंस है जो कि आपकी बात को सुनती है, जिनको आपका कंटेंट अच्छा लगता है इसलिए तो उन्होंने सब्सक्राइब किया, और जो कहीं ना कहीं आपके ओपिनियन को मानती है कि यार अगर आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी फोन के बारे में तो वो सही है। तो ये बात मोबाइल फोन कंपनीज की नजर में आ जाती है, और वो देखती है कि इस बंदे के पास 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, मतलब कि 15 मिलियन। तो अगर हम इसको एक 50,000 रुपए वाला फोन दे दे, ठीक है, रिव्यू करने के लिए, और उन 1.5 करोड़ लोगों में से अगर 10 लोगों ने भी वो फोन ले लिया, तो वो 50,000 का इन्वेस्टमेंट उनका 5 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें आप सोचते हो कि यार इसमें तो यूट्यूबर का फायदा है, उसको फ्री में फोन मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी पूरी कहानी ऐसे शुरू होती है भाई कि जैसे मान लो 12 मार्च को Redmi Note 9 Pro आने वाला था, ठीक है, मतलब वो लॉन्च तब होने वाला था। तो जो टेक रिव्यूअर्स हैं उनको 5 मार्च को ही वो फोन मिल गया, उनके घर पहुंच गया वो डब्बा फोन का, जैसे आपके नहीं आता Flipkart Amazon का, वैसे उनके 5 मार्च को डब्बा पहुंच गया फ्री में। उन्होंने एक हफ्ता फोन यूज किया, 5 से 11 तारीख तक, उन्होंने 11 तारीख को रिव्यू बनाया, और उनको उस फोन के साथ एक नोट मिला था कि जब फोन लॉन्च हो जाएगा 12 तारीख को दिन में 12 बजे, उसके बाद आपको वीडियो डालना है, भले वीडियो पहले से बना के रख लो। तो वो पहले से वीडियो बना के रख लेते हैं, और उस नोट के हिसाब से जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके हिसाब से वो उस दिन लॉन्च डेट पे 12 बजे फोन का रिव्यू अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे। और इसका एक सबूत यह है कि जब भी आप कोई पॉपुलर फोन का रिव्यू देखते हो तो उसमें सबसे ज्यादा एक बात बोली जाती है कि अभी हमको इसका प्राइसिंग नहीं पता, अभी हमको इसका प्राइसिंग नहीं पता, और हमको जैसे पता चलेगा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वो इसलिए है क्योंकि जब इनको रिव्यू यूनिट मिलती है तब इनको जो प्राइस होती है वो काट के देते हैं, और इनको भी प्राइस तभी मालूम चलती है जब फोन लॉन्च होता है। तो ये लोग वीडियो पहले से ही बना लेते हैं और फिर बाद में उसके डिस्क्रिप्शन में प्राइस को ऐड कर देते हैं, समझ रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि यार इनको जो रिव्यू यूनिट मिल गई वो इनकी हो गई कि भाई जो इच्छा जो करो, अपने घर वालों को दो, बच्चों को दो, तोड़ो फोड़ो खेलो मजे करो, ऐसा नहीं होता भाई। मतलब मोस्ट केसेस में तो ऐसा नहीं होता, मोस्ट केसेस में यही होता है कि भाई जो रिव्यू यूनिट होती है वो इनको एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस भेजनी पड़ती है उस कंपनी में, जब तक कि इसका फुल रिव्यू, कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू, बैटरी रिव्यू, सारे रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद इनको फोन वापस भेजना पड़ता है, और बहुत सारे केसेस में तो इनको अपने खर्चे पे फोन वापस भेजना पड़ता है। और सारी कंपनीज फोन वापस नहीं मंगाती, लेकिन 90% कंपनीज फोन वापस मंगा लेती है। अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि जो फोन कंपनी है जो रिव्यू यूनिट दे रही है इनको, वो बोलती ही बोलती है इनको कि भाई फोन के बारे में पॉजिटिव रिव्यू देना, पॉजिटिव रिव्यू देना, पॉजिटिव रिव्यू देना, हम आपको आगे और यूनिट्स भेजेंगे, हम एक ही जगह 4 यूनिट्स देंगे आपको, जिसमें से 3 आप रख लेना और पैसे ले लेना, लेकिन पॉजिटिव रिव्यू देना। अब ये पूरी तरीके से उस रिव्यूअर के ऊपर है कि वो कैसा रिव्यू देता है। अगर वो एक ईमानदार रिव्यूअर हुआ तो आपको सारे प्रोज कॉन्स, अच्छाइयां बुराइयां सब बताएगा फोन की, लेकिन अगर यार वो ऐसा रिव्यूअर है कि जो मतलब कंपनी से फायदा लेना चाहता है तो फिर वो सिर्फ अच्छा ही बताएगा। तो ये टोटली रिव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो फोन का किस तरीके से रिव्यू करता है। अब यहाँ पे एक बात ये है कि भाई जो रिव्यूअर्स पूरी ईमानदारी से रिव्यू करते हैं ना, कि मतलब उनको रिव्यू यूनिट मिली फ्री में, फोन अच्छा नहीं था, सच में अच्छा नहीं था, तो उन्होंने दबा के मारी फोन की कि भाई टट्टी फोन है, ठीक है। तो बहुत बार तो कंपनी ऐसे करती है कि भाई हमने तेरे को फ्री में फोन दिया, तू हमारे फोन की मार रहा है, तो अगले वर्ष उसको रिव्यू यूनिट ही भेजना बंद कर देती है। और तो और मतलब अगर उस कंपनी का कोई लॉन्च इवेंट हुआ तो वहां पे उसका जाना भी बैन कर देती है। मतलब कंपनी पूरी अपनी जात का सबूत दे रही है भाई। तो ये रिव्यू यूनिट वाला मामला बहुत बहुत नीच है भाई। तो यार ऐसा नहीं है कि सारा फायदा सिर्फ कंपनी का है, थोड़ा फायदा यूट्यूबर का भी है। सबसे पहली बात तो उसको फ्री में फोन मिल रहा है जिसका वो रिव्यू करेगा, और उस रिव्यू को वो डाल के उस वीडियो को मोनेटाइज करके पैसे कमा सकता है, जो कि ठीक है यार, कंपनी का भी फायदा, यूट्यूबर का भी फायदा। दूसरा तरीका यह है कि जिस फोन का वो रिव्यू कर रहा है उसी का एक लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता है कि अगर आपको खरीदना है तो इस लिंक से खरीदो, जो कि होता है एफिलिएट लिंक। मतलब कि अगर आपने उस लिंक से फोन खरीदा
तो उस यूट्यूबर को एक छोटा सा कट मिलेगा, मतलब कि कुछ भी परसेंटेज हो सकता है, 0.1%, 1%, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी 3 यूनिट मिले, तो एक यूट्यूब चैनल खोल लो और ऑडियंस बढ़ाओ, तभी आपको रिव्यू यूनिट मिलेगी। लेकिन ये मैं सुन रहा हूँ, यू यूनिट आप रख सकते हो और मतलब बिल्कुल एक अलमारी सजा दो फोन की और वापस भेजना पड़ेगा भाई। और मेरी हालत थोड़ी खराब हो रही है मुझे पता है, लेकिन ये वीडियो मैंने ऐसे ही बनाया तो